हेलो गाइस, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं आसुस के वीवो 14 की, जो मैं अभी हाल ही में लेकर आया हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये पैकेजिंग फ्लिपकार्ट की तरफ से, अमेजोन की तरफ से आई। बॉक्स को साइड में रख देते हैं। तो ये इनकी टैगलाइन है, इन द सर्च ऑफ इनक्रेडिबल। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं इसके। आप कहीं लिखे हो तो नहीं लिखे, चलो अंदर ही देखते हैं। ये इसकी नाइस लुकिंग, अच्छी पैकेजिंग के साथ आता है। और देखते हैं इसमें, ये अपना लैपटॉप है मेन। लैपटॉप को थोड़ा साइड में रखते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। ये एक चीज आई है कुछ, ये इसके कुछ बिल्स हैं। और इधर आप देखें उसमें कुछ, ये इसका चार्जर है और ये इसकी यूज़र मैनुअल। ठीक है, इधर बॉक्स रखते हैं साइड में। और चार्जर की लेंथ काफ़ी अच्छी है, तो देख सकते हैं आप। टाइप सी चार्जर भी है इसमें, आप टाइप सी चार्जर के साथ भी चार्ज कर सकते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, तो लेट्स सी क्या क्या मिलता है। नाइस लुकिंग के साथ आता है, मैं देखते हैं हम क्या क्या है इस साइड। हमें ये मिल जाता है चार्जिंग के लिए, ये टाइप सी चार्जिंग के लिए। ठीक है, ये इसका यूएसबी पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट है और ये लैन का पोर्ट है। उसके बाद इस साइड हमें मिल जाते हैं यूएसबी पोर्ट्स टू ऑडियो जैक, कार्ड के लिए। ये इंडिकेटर हैं सारे दोनों। ठीक है, और चलिए देखते हैं। फुल एचडी 180 डिस्प्ले है इसकी। और ये देखिए आप, काफ़ी अट्रैक्टिव पैकिंग के साथ आता है। यहाँ पर देख लीजिए आप, ये इंटेल का i3 7 जनरेशन है, ऑफिस के साथ आता है री इंस्टॉल्ड 2019 एडिशन। सुपर बैटरी, फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ, कीबोर्ड और मॉनिटर। कीबोर्ड की फिनिशिंग बहुत अच्छी है, एल्युमिनियम लुक आता है, सिल्वर फाइल सिल्वर टाइप का। और काफ़ी साइनिंग कीबोर्ड है। और ये पावर बटन यहाँ पर मिल जाता है। और अब मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ, इसके बाद मैं वीडियो को रिज्यूम करूँगा। तो गाइस, इसमें देखते हैं हम सिस्टम प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। ये विंडोज़ 10 है सिंगल लैंग्वेज, और 4GB इसमें रैम है, और 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है विंडोज़ 10। और इसमें हमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 हमें प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। इसके बाद हम लैपटॉप की बात करें, इसमें टाइप सी यूएसबी मिलेगी एक आपको, और वेट इसका है 1.60 kg। प्रोसेसर मैं आपको बता ही चुका हूँ। मेमोरी आप इसकी 12GB रैम तक एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें SSD है 256GB। ठीक है, ग्राफिक्स कार्ड इसमें इंटेल का है इंटीग्रेटेड, 14 इंच इसकी डिस्प्ले है। ठीक है, और इसकी बैटरी लाइफ अच्छी है बहुत, मैंने चला के देखा था थोड़ा सा। और फास्ट चार्जिंग आपको मिलेगी इसमें, 2019 का ये मॉडल है। कि DDR4 इसमें रैम है आपके लिए। ठीक है, इसमें साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैंने थोड़ा यूज़ करके देखा था इसको। और इसके अलावा अगर आप देखें तो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है, और आपको काफ़ी हल्का आपकी लैपटॉप है, आपको चलाने में काफ़ी सहूलियत होगी। इसके बाद अगर और बात करें, चलाने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिंगरप्रिंट जो स्कैनर है काफ़ी फास्ट है, बहुत जल्दी ये स्टार्ट हो जाता है। ये लैपटॉप 31,990 की प्राइस टैग पर आता है, यानी 32,000 के आसपास। और इसकी जो बाय करने के लिए अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है गाइस, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।